कोरोना की दूसरी लहर को चुनौती के रूप में लेते हुए सरकार ने व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। लेकिन कोरोना को मात देकर ठीक हुए लोगों को अब भी परेशानी हो रही है। कोरोना फेफड़ों को प्रभावित करता है। कोरोना संक्रमित का फेफड़ा सिकुड़ जाने के कारण सांस लेने में समस्या आ रही है। ऐसे लोगों को चिकित्सक फेफड़े से संबंधित एक्सरसाइज करने की सलाह दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लिए रेस्पिरोमीटर कारगर साबित हो रहा है। यह एक खिलौने की तरह है जिसे कोविड से ठीक हुए मरीज अपने मुंह से लगाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मात्र 350 रुपए का रेस्पिरोमीटर लोगों की फेफड़ों में जान भर रहा है। वहीं सदर अस्पताल में FJCCI के द्वारा दिए गए ये रेस्पिरोमीटर पोस्ट कोविड मरीजों को निशुल्क दिए जा रहे हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सक और पोस्ट कोविड के इंचार्ज डॉक्टर अजीत कुमार ने इस बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी जो देखा जा रहा है, जो भी मरीज कोविड निगेटिव हो रहे हैं और डिस्चार्ज होकर हमारे यहाँ से घर जा रहे हैं, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि अभी भी उन्हें खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा भी चल रहे हैं बाथरूम भी जाते हैं तो हांफने लगते हैं। तो वैसे मरीजों का लंग कैपेसिटी काफ़ी घट गया है। उनका लंग में जो सूजन हुआ था उसके कारण कॉन्सोलिडेशन ऑफ फाइब्रोसिस मतलब सिकुड़न आ गई है, उसको खोलने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज बताते हैं कि रेस्पिरोमीटर से आप एक्सरसाइज कीजिए। जाहिर है कि कोरोना ने लोगों के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में संक्रमण से ठीक होने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में रेस्पिरोमीटर भी लोगों को राहत दे रहा है। बड़ा अच्छी तरह से काम करना शुरू करेगा, इससे बहुत सारा फायदा होगा। और सर इसके बारे में बोले कि इसे एक पाइप के द्वारा पहले 30 सेकंड तक मतलब 10 सेकंड या 12 कोशिश करना है मरीज को कि वो सांस को खींच कर उस बॉल को ऊपर की तरफ रखें। फिर जब वो प्रैक्टिस हो जाएगा फिर पलट के उसको फिर बाहर से फूकने के तरीकों को बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत हेल्पफुल है सर। इसको कैसे यूज करना है डॉक्टर साहब ने हमें बताया, अब हम इसी तरह से जाके मरीज को बताएंगे। क्या फायदा होगा कि सांस लेने में जो तकलीफ है वह तकलीफ जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।